क्या 229 रन बचाकर टीम इंडिया के गेंदबाज वापसी कराएंगे या वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया को अपना पहला अपसेट इंग्लैंड के सामने देखना पड़ेगा जो फिलहाल 10वें पायदान पर है और 20 साल का जो इतिहास है वो एक बार फिर दोहराया जाएगा क्योंकि बीते 20 सालों में इंडिया ने इंग्लैंड को नहीं हराया है। क्या 229 काफी हो जाएंगे? ये सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि 229 की कहानी भी इतनी आसान नहीं रही। अगर आप टुकड़ों में देखेंगे तो फिर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और कुछ हद तक केएल राहुल को हटा दीजिए तो बाकी तो ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज आए और बल्लेबाज गए। किसी एक भी प्लेयर ने टिक कर ठहर कर रुकने की कोशिश नहीं की। सवाल रोहित को लेकर भी खड़े होंगे कि क्या रोहित थोड़ा रुक जाते तो ये 229 जो है ये 260-265 पहुंच जाते। क्या सूर्या आखिर में कुछ शॉट लगा जाते तो स्कोर बदल जाता। क्या जडेजा वो अंपायर्स कॉल का शिकार ना होते तो शायद कहानी बदल जाती। क्या शुभमन और श्रेयस अय्यर जिम्मेदारियां निभाना अब तक नहीं सीखे हैं? बहुत सारे सवाल है लेकिन 183 पर 7 से 229 पर 9 पहुंचना भी टीम इंडिया के लिए एक जीत जैसा रहा और फिलहाल टीम इंडिया यही मना रही होगी कि जो हमारे 5 गेंदबाज हैं, धाकड़ गेंदबाज हैं, वो इस मैच में कहर भर पाए, वापसी दिलाए क्योंकि ये मैच इंडिया के लिए जीतना जरूरी है। अगर जीते तो टॉप पर जाएंगे, नहीं गए और नहीं जीते तो फिर हम भी उन टीमों में शुमार हो जाएंगे जिनके बारे में पक्का नहीं किए। क्योंकि इंडिया अगर ये मैच जीत जाती है तो हर आदमी ये मानकर बैठे हैं कि इंडिया का डोमिनेंस वर्ल्ड कप में अलग है, लेकिन अगर ये मैच हार जाते हैं तो फिर सवाल खड़े होंगे। हालांकि कई लोग कहते हैं कि यार अगर हारना ही है एक मैच वर्ल्ड कप में तो सेमीफाइनल में मत हारो, पहले ही हार जाओ, एक झटका ले लो ताकि सेमीफाइनल के लिए तैयारियां तेज कर दो। हालांकि ये कहने की बात है, लेकिन अगर इस मैच की बात करेंगे तो शुरुआत बहुत स्लो होती है। पहले 10 ओवर में केवल 35 रन बनते हैं, 2 विकेट गिर जाते हैं, शुभमन गिल का आउट होना, विराट कोहली जाते हैं। सेकेंड में 38 रन बनते हैं 10 ओवरों में, काफी स्लो हम खेलते हैं। केवल एक तीसरा जो सेक्शन था जिसमें 21 से 30 ओवर का मैच था वहां पर हम डोमिनेट करते हैं 58-0 और यही सेशन था जहां पर हम अच्छा खेल रहे थे, हमें लगा कि हम काफी अच्छा कर सकते हैं। केएल राहुल और रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की थी। इसके बाद 31 से 40 के बीच में 49 पर 2 गिर जाते हैं और आखिर में 49 पर 4 और यही जो आखिर के 10 ओवरों में आप 49 पर 4 बनाते हैं, अगर यही 70-80 हुआ था तो शायद इस मैच की कहानी पलट जाती। लेकिन रोहित शर्मा 87 रन, सूर्य कुमार यादव 49, राहुल 39 और बुमराह 16 और इनकी बदौलत टीम इंडिया ने 229 बनाए। सवाल यह है कि क्या इंडिया ये मैच बचा पाएगी, इंडिया इस मैच को बचा पाएगी? कई सारे लूपहोल्स जो हैं वो आज दिखाई पड़े हैं। अगर जीत गए तो शायद इन पर चर्चा कम होगी, लेकिन अगर हारे तो इनकी चर्चा जो है अब बढ़ने वाली है क्योंकि कई सारे सवाल हैं। जैसे श्रेयस अय्यर को लेकर, जब भी 3 विकेट गिरता है 2 विकेट, वो आते हैं अपना विकेट दान करके चले जाते हैं। शुभमन क्यों नहीं रन बना पाते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल है, लेकिन इन सवालों के बीच में इस मैच में कई सारे सवाल और कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि यार क्या टीम इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा निर्भर है विराट कोहली और रोहित शर्मा पर, और अगर वो नहीं चलते हैं तो फिर आपकी टीम स्ट्रगल करती है क्योंकि आपके यंगस्टर्स ने जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या शुभमन गिल हो, लगातार मैचेस में ये फ्लॉप हो रहे हैं और ये अनफॉर्चुनेट है, खासतौर पर शुभमन को लेकर जिनसे बहुत ज्यादा हाई होप्स हमारी रही है कि यार वो वर्ल्ड कप पे हमें मैच जिता देंगे। दूसरा सवाल ये कि जिस दिन टफ कंडीशंस में हमारे बल्लेबाज पैनिक करेंगे, क्या गेंदबाज जिताकर दिखाएंगे? लेट्स जस्ट होप कि बुमराह, शमी, कुलदीप, सिराज, जडेजा ये कमाल करके दिखाएं और हमें मैच जिताकर दिखाएं जब परिस्थितियां विपरीत हों, क्योंकि ठीक ठाक रन लग गए हैं यहां पर और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाजी होती है तो ये मैच हम जीत सकते हैं और हमारे लिए भी मामला बन सकता है आसानी से, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि आज रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो कई सारे रिकॉर्ड बने हैं, जैसे कि केएल राहुल ने 2500 रन बना लिए हैं, सेकेंड फास्टेस्ट टू कंप्लीट 2500 रन ओडीआई इंडियन में, और बड़ी बात यह है कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना, उसके बाद इस तरह से बल्लेबाजी करना, आज भी अच्छी बल्लेबाजी की, सो आई थिंक वो कमाल था। रोहित शर्मा ने भी एक रिकॉर्ड बनाया, फिलहाल वो नंबर 4 पर पहुंच गए हैं ओवरऑल रन बनाने के मामले में, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनसे आगे क्विंटन डिकॉक, वार्नर और रचिन रविंद्र हैं, बाकी सबको पिछाड़ दिया उन्होंने। विराट कोहली क्योंकि डक पर गए तो उनसे आगे फिलहाल वो निकल गए हैं। केएल राहुल के अगर आप एवरेज की बात करोगे वर्ल्ड कप में तो वो 200 का है, हालांकि आज उन्हें चलना चाहिए, पर्सनल एक्सपेक्टेशन उनसे और हाई थी कि वो टिकते। रोहित शर्मा से हाई थी, रोहित शर्मा यार 41 अर्धशतक 29 शतक ओडीआई में आज वो शतक डिजर्व करते थे, नहीं हुआ, वो भी एक अनफॉर्चुनेट था। लेकिन छक्कों के मामले में रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए और रोहित के साथ एक खास बात और जो मुझे लगती है वो ये है कि रोहित शर्मा
टफ कंडीशंस में ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, जितनी कंडीशंस टफ हो आती है उतने वो और आपको स्टेबल नजर आते हैं, उतना ज्यादा आपको स्टेबिलिटी देते हैं टीम को और लगातार कंसिस्टेंट होकर रन बनाते हैं। रोहित शर्मा ने आज 18,000 रन पूरे किए, इसके साथ ही रिकॉर्ड बना कि वो उन प्लेयर्स में आ गए इंडिया के जो सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर हैं और टॉप फाइव में आ चुके हैं। टॉप पर तेंदुलकर हैं 34,357 रन, उसके बाद विराट कोहली हैं 26,121 रन, देन इट्स राहुल द्रविड़ 24,064 रन, देन इट्स सौरव गांगुली 18,443 रन, जिनका रिकॉर्ड शायद इस वर्ल्ड कप में रोहित तोड़ दें, और उसके बाद रोहित शर्मा यहां पर आते। तो आई थिंक रोहित शर्मा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन रोहित शर्मा ने आज 1,000 रन भी पूरे किए। रोहित के नाम रिकॉर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर वही सवाल मेरे मन में आता है कि रोहित जिस तरह से इनिंग को पेस करते, अगर ये मैच भी आपने देखा हो 0-0-0-0-0-0 उसके बाद सडनली रोहित ने हमारे 4-6-1-6 और पूरा गियर चेंज कर दिया। सो ये जो गियर चेंज करने की एबिलिटी है, पुल शॉट पे छक्का मारने की एबिलिटी है, सडनली मोमेंटम चेंज करने की एबिलिटी है, क्या रोहित शर्मा को थोड़ा सा और रुकना चाहिए था? क्या रोहित शर्मा का आउट होना इस मैच का इंपैक्ट पॉइंट था? क्योंकि रोहित इस मैच की बात की जाए तो कैप्टन रोहित शर्मा जो है वो लोन वॉरियर थे, और जब वो 87 पर आउट हुए यार तो काफी दुख हुआ, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर दो तरह की फीलिंग आती है, एक तो वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा क्या वो थोड़ी देर और टिक सकते थे, क्योंकि जब रोहित खेल रहे थे सूर्या के साथ तब टीम की स्थिति काफी स्टेबल थी। हालांकि जब आप स्टेबल होते तो आप सोचते हैं कि यार आप आखिर में थोड़ा ज्यादा रन बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है रोहित तो शायद वहां गलती हुई असेसमेंट करने में, क्योंकि अगर रोहित आखिरी के 5-7-8 ओवरों को चुनते कि रन बनाएंगे हम वहां पर, तो शायद टीम इंडिया का जो स्कोर है इस स्कोर से कहीं ज्यादा रन बन जाता। लेकिन नेवरतलेस रोहित शर्मा प्लेड अ सुपर्ब नॉक 87, और अगर आप देखोगे वर्ल्ड कप के उनके नॉक्स तो कमाल रहे। इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड जो है रोहित के वो भी बने, जैसे कि रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन बना लिए, सबसे ज्यादा रन इंडिया के लिए रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 में हो गए, सबसे ज्यादा छक्के जो है रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2023 से मारे हैं, सबसे ज्यादा छक्के एक वर्ल्ड कप में कैप्टन के तौर पर रोहित शर्मा के हो गए, और 1,000 रन ओडीआई क्रिकेट में भी रोहित शर्मा के हो गए। तो रोहित के नाम कई रिकॉर्ड है, लेकिन रोहित लगातार कंसिस्टेंट है। आज 87, इससे पहले 46, 47, 86, 131, अगर आप वर्ल्ड कप के उनके स्कोर देखोगे तो ऑलमोस्ट हर मैच में वो रन बनाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या रोहित शर्मा को आज टिकना चाहिए था? वो जो आदिल रशीद को उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की वो एक गलत फैसला था, मुझे लगता है शायद असेसमेंट गलत हुआ, क्योंकि अगर वो रहते तो कम से कम 50-60 रन का डिफरेंस होता और वो गेंदबाज। अब अगर इस मैच में स्कोर कार्ड की बात की जाए तो इंडिया की शुरुआत जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, और शुरुआत से ही काफी स्लो हम खेल रहे थे, लेकिन शुभमन गिल बोल्ड हो जाते हैं और शुभमन काफी डिसअपॉइंट करते हैं। मतलब शुभमन गिल यार काफी ज्यादा हाई होप्स उनसे हम लेकर आए हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ऐसा लगता है कि विराट और रोहित के इर्द गिर्द काफी वर्ल्ड कप चल रहा है, और शुभमन का ना चलना एक अनफॉर्चुनेट रीजन बनता जा रहा है। शुभमन गिल वॉज अगेन फ्लॉप शो, 13 बॉल पे 9 रन, वो आउट हो जाते हैं। विराट कोहली थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट देते हैं, बट आप एक ही इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो हर मैच में हीरो बनकर आए। सो ठीक है, उनका एक ये मैच था, 9 बॉल पे 0 रन, डक पर आउट हुए, अनफॉर्चुनेट था, बुरा लगा, लेकिन विराट के आउट होने का असर रहा कि टीम संघर्ष में गई। श्रेयस अय्यर को लेकर मैं हमेशा कहते आया हूं कि श्रेयस अय्यर जो है वो रिलायबल प्लेयर नहीं है, वो चल जाते हैं लेकिन जिस दिन 2-3 विकेट गिरता उस दिन वो अपना विकेट देकर जाते हैं, और यही आज भी देखने को मिला। 16 बॉल 4 रन बनाकर श्रेयस अय्यर जो है अपना विकेट गवा देते हैं। अब पहला विकेट 26 पर गिरता है, चौथे ओवर में 7वें विकेट 27 पर गिरता है दूसरा विकेट, और श्रेयस जो है 12वें ओवर में 40 पर चले आते हैं। इसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच में, जब लग रहा था कि मामला सेट है, राहुल साथ निभा रहे हैं तो विली ने उनका विकेट निकाल दिया, और यहां पर जो झटका लगा था आई थिंक ये एक बड़ा झटका था, 39 पर आउट हुए। इसके बाद फिर एक पार्टनरशिप बनी सूर्य कुमार यादव के साथ, जब लगा कि मैच शायद इंडिया पार कर ले जाएगी और इंडिया ये मैच जीत सकती है, 250-350 रन बन सकते हैं, काफी ओवर बाकी थे, लगभग 10-15 ओवर बाकी थे, लेकिन वहां पर रोहित शर्मा का वो जो शॉट था वो आई थिंक मैच का टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज 164 पर 164 रन स्कोर था, 36वां ओवर चल रहा था, अगर रोहित रह जाते तकरीबन 80 गेंदें बाकी थी, 80 गेंदों पर आप 100 रन बनाते तो आप 250 प्लस तो जाते ही जाते यार, और ये बहुत अच्छा होता टीम इंडिया के लिए, 260-270 रन होते। बट रोहित का वो एक मिसकैलकुलेशन आई थिंक वो मैच टीम को भारी पड़ा, और 101 बॉल पर 87 रन बनाकर रोहित शर्मा का विकेट गया, आई थिंक वहां से हम टूट गए। उसके बाद जडेजा वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जडेजा आदिल रशीद की बॉल पर LBW हो गए, बहुत अनफॉर्चुनेट था, अंपायर्स कॉल जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन दैट्स जो रूल है सो रूल है,
थोड़ा अनफॉर्चुनेट था आज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। आदिल रशीद ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया, रिव्यू मांगा गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। शमी आते ही चले गए, बुमराह ने कोशिश की सूर्या के साथ, सूर्या का थोड़ा शो देखने को मिला, 47 बॉल पे 49 रन, लेकिन जब रियल पावर हमें सूर्य कुमार यादव की देखने चाहिए थी उस वक्त सूर्य कुमार यादव भी अपना विकेट गवा बैठे। और आज जो तारीफ आपको इंग्लैंड के गेंदबाजों करनी पड़ेगी, डेविड विली वॉज टू गुड, 10 ओवर 2 मेडन 45 रन 3 विकेट, क्रिस वोक्स वो सुपर लगातार विकेट निकाल रहे थे, आदिल रशीद 35 रन देकर 2 विकेट, मार्कवुड थोड़े महंगे साबित थे बट ही वॉज इकोनॉमिकल। सो आई थिंक ओवरऑल ये समझना मुश्किल है कि इंडिया ज्यादा लापरवाह थी या इंग्लैंड ज्यादा अच्छी थी। हालांकि इंग्लैंड की गेंदबाजी की आज तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि इतने प्रेशर मैच में कमबैक